रेल एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को देखकर प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकई दोस्तों अभूतपूर्व है। पिछले वर्ष जब मैं डिब्रूगढ़ आया था तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ कई अस्पतालों का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। आज एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज आपको सौंपने का मुझे सौभाग्य मिला है। बीते वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों की सुविधा का भी विस्तार हुआ है। इन सभी को नॉर्थ ईस्ट में लगातार बेहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जो समस्या आती थी वो अब दूर हुई है। इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है, वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था, एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है।